अच्छा जी, आपने हमारा पहला चैप्टर देखा होगा, पहली वीडियो देखी होगी, जिसमें पूरे मैंने HD फाउंडेशन हमारी टू टोन की, जो मैंने 02 अपने फेस पे लगाई थी, उसका पूरा तरीका बताया कि कितनी देर आपने ब्लेंड करनी है, किस तरह के चेहरों पे इस्तेमाल होगी, क्या इसके ऊपर प्राइमर लगेगा नहीं लगेगा, और किस तरीके से इस बेस को हमने ब्लेंड करना है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो पहले पुराने वीडियो देख लें। अब उसके बाद जो है हम ये लगाएंगे पाउडर, और पाउडर हम ये हमारा ट्रू टोन का लग्जरी पाउडर इसका नाम है, और ये देखें ये ट्रू टोन लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका ये टेक्सचर है बिल्कुल मलाई की तरह, ये मलमल है, और जब मैं लगाऊंगी अपने फेस के ऊपर तो मेरे फेस को भी मलाई की तरह मलमल करेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आईज के नीचे, ये देखें, जब क्लाइंट को या आप खुद से मेकअप कर रहे होते हैं तो आपने जो लाइनें आंखें ऊपर नीचे करते हैं, जो लाइनें आ जाती हैं आईज के नीचे, तो उनको आपने अपनी फिंगर की मदद से अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना होता है, ठीक है। ब्लेंड करने के बाद फिर आपने उसके ऊपर पाउडर लगाना होता है, ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे इस एरिए में आपने थोड़ा सा भर के पाउडर लगाना है, ठीक है जी। और स्पेशली उन खवातीन के लिए भी आपने भर के, उफ कितनी अच्छी खुशबू है इसकी, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, तो मेकअप करते हुए अगर आपको फ्रेग्रेंस अच्छी आए तो आपका मूड और भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। और अब ये देखें, अब पाउडर हम लगा रहे हैं भर के। मैं क्यों भर के लगा रही हूँ, आप कम भी लगा सकते हैं, आपने इसलिए कम लगा सकते हैं अगर आपके खड्डे नहीं हैं, मेरी तरह स्कार नहीं है, मेरी तरह फ्रैकल्स नहीं है, डबल टोन स्किन नहीं है, तो आप इसको कम क्वांटिटी में लगा सकते हैं। मेरे चूंकि इतने ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं, मैं ज़रा कहती हूँ कि ज़रा वीडियो के अंदर थोड़े से ओपन पोर कम नज़र आए, तो इसलिए मैं भर भर के लगा रही हूँ। ये यहां पे लगाने के लिए ये करना, ठीक है, ये ठीक है। अब यहां पे भी ये हमने भर के लगा लिया पाउडर। अभी आप मत हंसे, मत हंसे, अभी तो आपने मुझे इतना हसीन देखना, आपने कहना वाह मैडम इतना प्यारी लग रही हैं आप। वैसे भी खवातीन मुझसे बहुत प्यार करती हैं, आई नो वेरी वेल, लेकिन आपको पता है मैं रियलिटी आपको दिखाती हूँ। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे मेकअप पाउडर लगा के फिर आपको झाड़ के फिर आप उसके बाद कहती ये देखे मैंने ऐसे लगाया है। मैं आपको जो कर रही हूँ ना, मैं वही दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। अब इसको हम हाथों को झाड़ते हैं। अब हम लेते हैं कोई बड़ा सा पाउडर और ये हम लेते हैं। अब हमारे पास में, चूँकि जिन लोगों की स्किन जो होती है ना मेरी तरह ऑयली प्रॉब्लमेटिक फ्रैकल्स चीज़ें बहुत सारी, तो उन्होंने मैट आपने पाउडर लगाना होता है ब्लश ऑन, ठीक है। मैंने मैट ये मेरे हाथ के अंदर है, इसको मैं क्या करूँगी, मैं इसको ब्रश को बिल्कुल ऐसे रखूँगी यहाँ पे, और ये मेरी हड्डी है। आप सब ने अपनी हड्डी को दबा के देखना है कहाँ कहाँ आपकी हड्डी है, मेरी हड्डी ये है। मैं इस हड्डी के बिल्कुल ऊपर रख के ब्लश ऑन को ब्लश करूँगी तो पाउडर खुद ब खुद डस्ट ऑफ हो जाएगा, ठीक है जी। ये अब ये देखें यहां पे भी देखें कितना नीट लुक आने लग पड़ा है, सही हो रहा है जी, सही हो रहा है। आप लोगों ने बताना है क्योंकि मैं जरा दूर बैठी हूँ, शीशा बहुत दूर है, वीडियो भी बन रही, साथ आपको समझा भी रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। खबरदार मेरे पे कोई हंसा, एक मैं आपको अपनी बूथी दिखाऊं, दूसरा मेकअप सिखाऊं, उस्तादों के साथ जो बंदा गड़बड़ करता है ना वो फिर कामयाब नहीं होता, इसलिए उस्ताद की इज्जत करना सीखें। ऐसा उस्ताद जो आप लोगों से इतनी वफा करता हो, जो अपनी बूथी असल में दिखा रहा हो। ये देखो अब मैंने थोड़ा सा नाक के ऊपर भी लगा लिया। अब ये देखें यहाँ वाला पाउडर और यहाँ वाला हो गया डस्ट ऑफ। अब हम क्या करेंगे, पाउडर को ज़्यादा ही लग गया मेरा ख्याल है। अच्छा जी, अब हम करेंगे एक और ब्रश लेंगे और उस ब्रश को हम ऐसे करके साफ कर लेंगे ताकि इसके असर कुछ लगा ना हो। अब ये नीचे वाला जो पाउडर है ना, इसको हम करेंगे डस्ट ऑफ। ये है राज की बातें जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है जी। ये ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर था 2। अब ये देखें इधर से भी हम इसको झाड़ रहे हैं। ये अब हमारे ब्लश ऑन देखें, बिल्कुल मेरी मैट जो है ना लुक आ रही है, मुझे मैट ही लुक चाहिए। मैं बिल्कुल भी अभी ये मैंने ना स्केच तैयार किए हैं, ठीक है, अभी ये फाइनल लुक नहीं है।
अब इसके बाद मैं बनाऊंगी आईब्रो, आईब्रो बनाने के बाद करूंगी मैं आईज मेकअप करने के बाद मैं करूंगी नीचे से आईज मेकअप, आईज नीचे से फिर मैं बाद में बताऊंगी। अभी हम आते हैं आईब्रो बनाते हैं, हम सबसे पहले हम यही वाला अपना बेस लगाएंगे आईज के ऊपर, और ये देखें इसको मैं अच्छे तरीके से फैला लूँगी, इतना ज़्यादा भर के नहीं लगानी, हल्का सा, ये देखें फिंगर के साथ ये बस इसको ये टच करना है आपने, ठीक है, ये ना हो कि बेस इतनी लगा लें फिर आपसे ब्लेंड ना हो, ठीक है जी, ये ठीक है, और सब लोग बताएं मेरे मेकअप का कौन कौन फैन है, कौन कौन मुझे फॉलो कर रहा है। अच्छा जी, अब हम करेंगे ये मैं एक्वा लगा रही हूँ, एक्वा को हल्का सा पानी लगाया, पानी लगा के पहले जो मेरी आईब्रो शेप है ना एक्चुअली आपने वही करना है, ठीक है, इसको हाथ के ऊपर इस तरीके से लगाया और यहाँ पे इसको रखा, इस साइड पे भी पहले आपने अपनी आईब्रो जो आपकी ऑलरेडी है उसके साथ आपने काम करना, ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा मेकअप पसंद आ गया ना तो मैडम आप अपने ऊपर सिखाया करें डिटेल से, फिर हम डेली नए नए मेकअप की लुक्स किया करेंगे, ठीक है, आप भी खुश तो मैं भी खुश, और बताएं कौन कौन हमारी बेस यूज़ कर रहा है, उसके रिव्यूज़ भी दिया करें, इतने ऑर्डर डेली जाते हैं तो रिव्यूज़ भी दिया करें प्लीज़, उससे फिर हमें फीडबैक से और पता चलता है कि आप लोगों को कैसी लग रही है। अब देखें इसको आपने थोड़ा सा लाइट कर लेना है, ये ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, ऊपर वाली लाइन को भी, ये यहां से आपने इस लाइन को इस साइड पे ब्लेंड करना, यहां पे डब्बा नहीं बनाना, ठीक है, कई लोग डब्बा बना के उसको बंद कर देते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना, हमदान कोई उनके लिए बोतल शोतल कोई जूस मंगवा लो या कुछ, चाय मेरी आई हुई, साथ साथ मैं चाय भी पीऊंगी, साथ साथ आप लोगों से गपशप भी मारूंगी, ठीक है, ठंडी होगी, काश किसी को बोलो बेटे कि मुझे कोई गर्म करते हो बेटा, ये देखेंगे विकास भी जिस दिन का आया है, अच्छा फोटोग्राफर मिल गया है, बच्चा है छोटा सा और लेकिन ये बड़ी बड़ी अच्छी मेहनत करके वीडियो बनाता है, इसके चैनल को भी सब लोग फॉलो करें, हम इसका लिंक ना इस चैनल पे देंगे, ठीक है, सब लोग वकास को फॉलो करें भाई, जो लोग आपको आपको जो लोग मोहब्बत करते हों, जो लोग आपके लिए आपको भी भेज आके काम कर रहे हों, तो मैं तो हर बंदे को सपोर्ट करती हूँ, पर मैंने सपोर्ट करने वाला कदे नहीं लगा, हर बंदा एक धोखा दे भज जाता, जिस बंदे को काम सिखाती हूँ ना 5-6 महीने वो जाके अपना सलोन बना लेता है, मैं फिर नए बंदे को ट्रेन करती हूँ। अब ये देखें मैंने ये इस तरह का आपके पास चिपटा ब्रश होना चाहिए, उसके साथ आपने यहाँ से बिल्कुल लाइनें जो है ना अपनी एकोरेट करनी होती हैं ऊपर से और नीचे से, ठीक है, बाकी मैं जब शीशे के करीब जाऊँगी ना फिर मैं कुछ और बेटर कर सकती हूँ, अभी मुझे दूर बैठे ना इतना ही नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हुई ना बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जी हाइलाइटर लगाएंगे, हम हाइलाइटर लगाने के लिए हम छोटा सा को ब्रश लेंगे और उस ब्रश को हम करेंगे साफ और हम अपना ट्रू टोन का हाइलाइटर लगाएंगे आज, और जितने लोग आते हैं देखें हमारे ट्रू टोन के जब शेड शॉर्ट हो जाते हैं तो सारे आके हमें दे दें और मैडम सबको तकसीम करती है, और जो भी मैडम फरा बनने वाली है ना मेकअप के बाद तो फिर जो है ना ये देखे कितने अच्छे अच्छे शेड हैं, ये देखे अभी हम आते हैं आईज़ के ऊपर, तो आईज़ के ऊपर देखे कोई भी मैट शेड लेके, चूंकि मेरी बर्थडे है तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करूँगी लेकिन ऐसा करूँगी कि जो अच्छा लगे, तो ये मेरी डेप्थ जो है ना मेरी आँख भी बहुत छोटी है, तो इस तरह की अगर आपकी भी आँख है तो आप उसको इस तरीके से दूसरे मिरर में देखें और देख के जो आपके हाथ में हो और उसको इस डेप्थ के अंदर आपने इस शेड को घुमाना है आगे पीछे, यूं ठीक है, और इसी को आपने ब्लेंड करते हुए ऊपर निकालना है ऐसे,
ठीक है, ये मैंने जो अपना आईज के ऊपर वाला ये जो हाइलाइटर लगाया है, ये मैंने 05 नंबर है ट्रू टॉन का, तो वो मैंने लगाया। वो कुछ हमारी ना स्पेस हर वक्त फिल रहती है मोबाइल की, तो उसके अंदर शायद वो पार्ट जो है ना स्किप हो गया। ठीक है जी, अब ये देखें, इसको ये किया, ये किया, ये किया, और हमने ये किया। ठीक है, ये हम अभी एक ना स्केच तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हल्का हल्का सारा स्केच तैयार कर रहे हैं। वकास पास से दिखाओ ये शेड जो मैंने लगाया, ये नज़र आ रहा है ये, और इस तरीके से इसको मैंने फैला दिया ऊपर से ये। ठीक है, यहाँ से ठीक है जी, और यही शेड मैं थोड़ा सा आइस के नीचे लगाऊंगी पहले हल्का सा, ताकि जो आपकी चुन्नी आंखें लग रही है ना पाउडर के बाद, वो चुन्नी ना लगे। ठीक है जी, अब हमने ये किया, अब हम जो है कोई डार्क शेड लेके